This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 1 खलियार में सफाई व्यवस्था कुछ दिनों से चरमरा गई है और सफाई कर्मचारियों द्वारा समय से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों के मुताबिक सफाई कर्मचारी घरों से कूड़ा इकट्ठा कर एक जगह ढेर लगाकर चले जाते हैं और वहां खाने की वस्तुएं देकर आवारा पशु व कुत्ते पहुंच जाते हैं। एक तो वह इधर उधर गंदगी फैलाते हैं और दूसरा आवारा पशुओं द्वारा लोगों को मारने व कुत्तों द्वारा लोगों को काटने का भय बना रहता है। जहां पर सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, वहां पर बस स्टॉप भी है और लोग अपने गंतव्य तक गाड़ियों के माध्यम से आते जाते रहते हैं। वहीं खलियार वार्ड नंबर 1 की पार्षद अलकनंदा हांडा का कहना है कि इस बारे में नगर निगम की मेयर दीपाली जसवाल और आयुक्त एचएस राणा को अवगत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आयुक्त द्वारा समय पर कूड़ा न उठाने के लिए सफाई ठेकेदार को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया था। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के बाद अब सफाई कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए नगर निगम के सामान्य हाउस में प्रस्ताव को रखा गया है। जैसा कि अभी अभी मुझे विदित हुआ कि वार्ड नंबर 1 खलियार में पार्क के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था, वहाँ गाय तथा कुत्ते आकर जो थे वो कूड़े को और भी ज्यादा फैला रहे थे। कुछ दिनों पहले भी मुझे ये सूचना जो थी वो लोगों के द्वारा मिली थी कि हमारा गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लड़के हैं वो कूड़े को वहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। एक्चुअली ये समस्या तो हमारे पास है, परंतु जो हमारे पास ये गार्बेज कलेक्ट करने वाले लड़के हैं और सफाई करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, ये जब हमारी नगर परिषद थी उस वक्त के लोग जो हैं वही सफाई कर रहे हैं। मैंने कई मर्तबा हाउस में ये मामला उठाया कि चूंकि अब ये निगम बन चुका है और जो ये एरिया है इसमें हमने बिजनी, छिपनू, हमग्राम, खराड़ू बाग, सनाड़, काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जैसे खोड़ी गांव है, त्रियांडी, ये इनको सबको हमें कैटर करना पड़ता है। तो उसके मद्देनज़र हमें अपनी लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी और ठेकेदार का ठेका भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस मामला को कई मर्तबा जो है हाउस में मेरे द्वारा मीटिंग में उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक निगम के द्वारा जो है वो ठेकेदार का जो ठेका है वो नहीं बढ़ाया गया है, जिससे ये समस्या जो है ये पैदा हो रही है। दूसरी बात ये है कि नगर निगम तो बन गया है परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हमारे पास नहीं है। कूड़े वाले लोग आते हैं, कूड़ा एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर गाड़ी आती है और कूड़े को उठा के चली जाती है। अब इन्होंने ये कलेक्शन सेंटर के तौर पर वहाँ पर ये रख देते हैं। तो कई मर्तबा ठेकेदार को भी कहा कि वहाँ पर ज़्यादा देर मत रखा करिए, थोड़ी देर रखा उसी वक्त उठा लिया करें, क्योंकि ये जो समस्या है बंदरों की या आवारा कुत्तों की, ये केवल मंडी शहर में ही नहीं अपितु तो हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में इसी तरह से है, मुँह बाएँ खड़ी है। तो इस समस्या के समाधान के हेतु सबसे पहले तो हमें सरकार को लिखना पड़ेगा कि बंदरों की समस्या से, जो आवारा बैल और कुत्ते हैं उनकी समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए। पिछले दिनों भी जब ये समस्या कूड़े की आई थी तो हमारे कमिश्नर साहब ने जो था वो ठेकेदार का जो पेमेंट थी वो रोक ली थी, क्योंकि सफाई जो थी हमारी कुछ पटड़ी पर नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम साहब से ये बात कर रखी है कि ठेकेदार का ठेका बढ़ाकर जितने भी सफाई के कर्मचारी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।